अगर आप कोई नई बाइक लेना चाहते हैं ना, तो 2021 आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इस साल बहुत सारे ब्रांड अपने एक से बढ़कर एक मोटरसाइकिल्स लेकर के इंडियन मार्केट में आने वाले हैं। सो हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज साइम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स और आप सभी लोगों को मेरा पिस्टन सलाम। आज की वीडियो में हम टॉप 10 अपकमिंग बाइक्स के बारे में बात करने वाले हैं। बात करते हैं हमारी पहली बाइक के बारे में, जो कि है हीरो की XF3R। हीरो मोटोकॉर्प जो है वो इंडिया की बिगेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 2016 में हीरो मोटोकॉर्प ने इस बाइक को लॉन्च करा था ऑटो एक्सपो में। उसके बाद 5 साल बाद ये बाइक फाइनली लॉन्च होने जा रही है। ये बाइक हीरो मोटोकॉर्प की पहली नेकेड स्पोर्ट्स बाइक होने वाली है। तो चलिए अब इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। इस बाइक में आपको 300 सीसी का एक लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक 4-वॉल्ट DOHC इंजन मिल जाता है, जो कि BS6 कंप्लाइंट इंजन है। इसी के साथ साथ आपको इसमें 6-स्पीड गेयरबॉक्स मिल जाते हैं, डुअल ABS मिल जाता है, डुअल डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं और साथ ही में आपको मिलते हैं मल्टीपल राइडिंग मोड्स। हीरो की किसी बाइक में भी अभी तक कोई ऐसे राइडिंग मोड्स नहीं आए। ये हीरो की पहली बाइक होने वाली है जिसमें आपको काफी सारे राइडिंग मोड्स मिलेंगे। चलिए अब इसके एवरेज के बारे में बात करते हैं। ये बाइक आपको 25-30 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देने वाली है, जो कि कंपनी क्लेम करती है। उसी के साथ साथ अगर हम इसकी एवरेज स्पीड की बात करें तो वो होने वाली है अप्रोक्स 170 किलोमीटर पर आवर की। तो अगर हम इसके एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो वो करीब 1.75 से 1.9 लाख रुपीस तक के जाने वाला है और ये बाइक इस साल 2021 में मार्च से अप्रैल के बीच में लॉन्च होने वाली है। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारी दूसरी बाइक के बारे में, जो कि Benelli की एंट्री लेवल नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है और इसका BS6 वर्जन जो है वो इस साल इंडिया में लॉन्च होने वाला है। हम बात कर रहे हैं Benelli लियोनचिनो 250 की, जो कि ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है और ये बाइक बेस्ड है Benelli लियोनचिनो 500 के ऊपर। सो Benelli इज वेल नोन फॉर इट्स लाउड साउंड एंड स्पीड। तो चलिए इसी के साथ साथ अब हम इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। इस बाइक के अंदर आपको मिल जाता है 249 सीसी का लिक्विड कूल इंजन, जो कि 6-स्पीड गेयरबॉक्स के साथ आता है, जो आपको 25.8 BHP का पावर देता है एट जस्ट 9,250 RPM और 21 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देता है एट 8,000 RPM। ये एक सिंगल सिलेंडर बाइक है जो कि कंपीट करती है KTM ड्यूक 250 के साथ। इस बाइक में आपको 25 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज मिल जाता है। उसी के साथ साथ इसकी जो एवरेज स्पीड है वो करीब 115 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आती है। ये बाइक लॉन्च होने वाली है इसी साल जून में और इसके जो कॉस्टिंग होने वाली है, इसकी जो प्राइसिंग होने वाली है वो करीब 2.5 लाख रुपीस के आसपास आने वाली है। तो Benelli एक बहुत ही बढ़िया इटालियन ब्रांड है और ये बाइक जो है वो ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट को डोमिनेट करती है, क्योंकि काफ़ी अच्छी बाइक है। तो अगर आप कोई 250 cc कैटेगरी में कोई बाइक देखना चाह रहे हो जो कि इंटरनेशनल हो, खूबसूरत हो, जिसकी आवाज़ तेज़ हो और जिसका रोड प्रेजेंस अच्छा हो, तो मेरे हिसाब से आप इस बाइक के लिए जून तक के वेट कर सकते हो। तो हम बात करते हैं हमारी अगली बाइक के बारे में, जिसका नाम है Husqvarna 401, जो कि एक कैफे रेसर बाइक है। ये एक स्वीडिश ब्रांड है जिसको KTM ओन करता है। इस साल Husqvarna अपने विपलिन 401 लॉन्च करने वाली है, जो कि KTM 390 पर बेस्ड है। तो चलिए इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। इस बाइक के अंदर आपको 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर BS6 कंप्लाइंट इंजन मिल जाता है, जो कि 43.5 का BHP प्रोड्यूस करता है और 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस बाइक में आपको 6-स्पीड गेयरबॉक्स मिल जाता है, डुअल चैनल ABS मिल जाता है, डुअल डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और LED लाइट्स मिल जाती है। ये बाइक आपको 25 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देगी। इसी के साथ साथ जो इस बाइक की एवरेज स्पीड है वो करीब 160 किलोमीटर पर आवर पर होगी। ये बाइक अप्रैल के मंथ में 2021 में लॉन्च होने वाली है, जिसका एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो करीब 2.8 लाख रुपीस होगा। तो अगर आप KTM फैन हो और अगर आप कोई दूसरी बाइक लेना चाहते हो जो कि थोड़ी सी ज़्यादा खूबसूरत और थोड़ी सी ज़्यादा नई बाइक हो, तो मेरे हिसाब
से आपको ये बाइक के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये बाइक नेक्स्ट मंथ ही लॉन्च होने वाली है। हमारी अगली बाइक है यामाहा XSR 155, जो कि एक रेट्रो लुकिंग बाइक है, जो कि बेस्ड है यामाहा MT-15 पे। ये बाइक ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है और वहां पर धूम मचा रही है, और इस साल ये बाइक इंडिया में भी आने वाली है। इस बाइक के अंदर आपको 155cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड BS6 इंजन मिल जाता है, जो कि 19.2 bhp प्रोड्यूस करता है एट 10,000 rpm और 14.7 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है एट जस्ट 8,500 rpm। इसमें आपको 6-speed ट्रांसमिशन मिल जाता है, सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, डुअल डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, LED लाइट्स मिल जाती है और एक बहुत ही ज्यादा शानदार सीट मिल जाती है। ये बाइक आपको करीब 50 km/l का एवरेज देने वाली है। उसी के साथ साथ इसकी जो एवरेज स्पीड है वो करीब 125 km/h के हिसाब से होने वाली है। ये बाइक इसी साल अप्रैल मई के महीने में लॉन्च होने वाली है, और जो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाला है वो करीब 1.4 लाख रुपीस के आसपास आने वाला है। तो जो भी RX 100 और RD 350 लवर्स है ना, वो लोग इस बाइक के लिए बिल्कुल वेट कर सकते हैं, क्योंकि यामाहा इस साल, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, काफ़ी नई नई बाइक्स लेकर के आ रहा है, और उनमें से ये एक क्लासिक बाइक है यामाहा की, जो कि मेरे हिसाब से मेरी फेवरेट बाइक हो सकती है, और शायद मैं इस बाइक को भी परचेज करूं। हमारी जो अगली बाइक है वो भी यामाहा का ही एक वेरिएंट है, दैट्स यामाहा MT-03। ये एक नेकेड स्पोर्ट्स कैटेगरी बाइक है, जो कि यामाहा की R3 पर बेस्ड है। इस बाइक के अंदर आपको 321cc का लिक्विड कूल पैरेलल ट्विन इंजन मिल जाता है, जो कि BS6 कंप्लाइंट है। इस बाइक में आपको 6-speed गियरबॉक्स मिल जाता है, डुअल चैनल ABS मिल जाता है, LED लाइट्स मिल जाती हैं, और अगर हम इसके पावर की बात करें ना, तो इस बाइक के अंदर आपको 41 bhp मिल जाता है एट जस्ट 10,750 rpm। उसी के साथ साथ आपको मिल जाता है 26.6 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट जस्ट 9,000 rpm। इस बाइक के अंदर आपको बहुत सारे मॉडर्न फीचर्स तो देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट रॉ बाइक है। अब अगर हम इसके एवरेज की बात करें, तो ये बाइक आपको करीब 25-30 km/l का एवरेज देने वाली है, और अगर हम इसकी स्पीड पे जाएं तो अराउंड 180 km/h की इसकी एवरेज स्पीड होने वाली है। ये बाइक अराउंड दिसंबर 2021 में लॉन्च होने वाली है, और इस बाइक का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो करीब 3 लाख रुपये के आसपास आने वाला है। तो अगर आप लोग यामाहा में कोई ट्विन सिलेंडर बाइक लेना चाहते हो, जिसमें काफ़ी सारी पावर हो, जिसके लुक बहुत बढ़िया हो, तो मेरे हिसाब से ये एक वर्दी ऑप्शन है, जिसके लिए आप लोग सही में अच्छे से इंतज़ार कर सकते हो, बिकॉज यामाहा MT-03 इज़ गोइंग टू बी समथिंग एल्स। और मुझे लगता है कि ये अपना, जैसे कि यामाहा ने अपना R15 का मार्क बनाया है, मुझे लगता है कि MT-03 भी अपना मार्क बना करके जाएगी। हमारी जो अगली बाइक है वो है एक इटालियन प्रोडक्ट, अप्रिलिया RS 150, जो कि बेस्ड है अप्रिलिया RS 125 पे, जो कि इंटरनेशनली बिकती है। इंडिया में अप्रिलिया का RS 150 का मॉडल लॉन्च होने वाला है, जो कि इंडियन ऑटो एक्सपो 2018 में शोकेस किया गया। इस बाइक के अंदर आपको 150cc का एक लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर BS6 कंप्लाइंट इंजन मिल जाता है, जो कि 18.8 bhp प्रोड्यूस करता है एट जस्ट 10,000 rpm और 14 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है एट जस्ट 7,500 rpm। इस बाइक के अंदर आपको 6-speed गियरबॉक्स मिल जाता है, डुअल चैनल ABS मिल जाता है, डुअल डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, LED लाइट्स मिल जाती है, और इस बाइक के अंदर आपको मिलता है क्विक शिफ्टर। और इस बाइक की अगर हम एवरेज की बात करें, तो ये बाइक आपको अराउंड 40-45 km/l का एवरेज देने वाली है। अगर हम इसकी एवरेज स्पीड की बात करें, तो इसकी एवरेज स्पीड होने वाली है करीब 145 km/h की। ये बाइक जो है 2021 के जुलाई के मंथ में लॉन्च होने वाली है, और इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो करीब 1.5 लाख रुपीज़ तक के जाने वाला है। तो अप्रिलिया ना ऐसे वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस ब्रांड्स है, और ये ऐसे इटालियन मैन्युफैक्चरर है, तो इनकी बाइक्स जो होते हैं ना वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। अगर हम इंडिया की बात करें, तो अभी तक अप्रिलिया ने इंडिया में अपने स्कूटर्स ही लॉन्च करे हैं, बट RS 150 कैन बी अ गेम चेंजर फॉर अप्रिलिया। तो अगर आप लोगों को 150cc कैटेगरी में कोई नई बाइक चाहिए, जो कि R15 का कॉम्पिटिशन हो और कुछ नया हो मार्केट में, तो मेरे हिसाब से आपको जुलाई तक के इस बाइक का वेट करना चाहिए। हमारी अगली बाइक है कावासाकी की एक रेट्रो बाइक, जिसका नाम है कावासाकी W175। ये बाइक कावासाकी की एक एंट्री लेवल बाइक होने वाली है। ये एक रेट्रो स्टाइल बाइक है, और इसका जो फील है ना वो भी बहुत ही ज्यादा क्लासिक है। इस बाइक के अंदर आपको 177cc का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है, जो कि 13 psi पावर प्रोड्यूस करता है एट जस्ट 7,500 rpm और 13 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है एट जस्ट 6,500 rpm ओनली।
बाकी सारे मोटरसाइकिल्स की तरह इस बाइक में भी आपको BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलेगा। इस बाइक में आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलेंगे। इस बाइक के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा, डुअल डिस्क ब्रेक मिलेंगे, LED लाइट्स मिलेंगे। ये बाइक आपको 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देने वाली है और इसकी जो एवरेज स्पीड होने वाली है वो करीब 120 किलोमीटर पर आवर तक की होने वाली है। कावासाकी W175 लॉन्च होने वाली है इस साल जुलाई में और इस बाइक का जो एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाला है वो करीब 1.75 लाख रुपीस तक के रहेगा। कावासाकी बेसिकली अपनी सुपर स्पोर्ट्स बाइक के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कावासाकी ने इंडिया में बहुत टाइम से कोई भी ऐसी एंट्री लेवल बाइक अपनी लॉन्च नहीं करी है, तो आप लोग इस बाइक के लिए वेट कर सकते हो जो कि जुलाई में लॉन्च हो रही है। हमारी अगली बाइक एक एडवेंचर टूरर सेगमेंट से बिलोंग करती है। हम बात कर रहे हैं सुजुकी V-Storm 250। सुजुकी V-Storm 250 इज बेस्ड ऑन सुजुकी इनजुमा जो कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी बिकती है। अगर हम इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस बाइक में आपको 248cc का लिक्विड कूल्ड पैरेलल ट्विन इंजन मिल जाता है जो कि 24 PS की पावर प्रोड्यूस करता है और 23 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस बाइक के अंदर भी आपको BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलने वाला है जो कि एक 6-speed गियरबॉक्स के साथ आने वाला है। क्योंकि ऐसे है कि टूरर सेगमेंट की बाइक है तो इस बाइक के अंदर आपको मिल जाता है ऑफ रोडिंग मड गार्ड, इस बाइक के अंदर आपको बिग विंडशील्ड मिल जाता है, इस बाइक के अंदर आपको राउंड हेड लैम्प मिल जाते हैं प्लस टेल लैम्प मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ इसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं। इसी के साथ साथ आपको डिस्क ब्रेक, डुअल डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, डुअल चैनल ABS मिल जाता है। इसी के साथ साथ आपको टेलीस्कोपिक अप फ्रंट सस्पेंशन भी मिल जाते हैं और एक LCD पैनल भी मिल जाता है। इस बाइक की एवरेज स्पीड अराउंड 152 किलोमीटर पर आवर की होने वाली है। इसका एवरेज अप्रॉक्स 32 किलोमीटर पर लीटर तक के होने वाला है। ये बाइक लॉन्च होने वाली है इस साल अगस्त में और इसका जो प्राइस माना जा रहा है, जो एक्सपेक्टेड प्राइस माना जा रहा है, वो करीब 3 से 4 लाख रुपए तक के होने वाला है, जो कि थोड़ा सा ओवर प्राइस मुझे भी लग रही है। हमारी अगली बाइक एक क्रूजर बाइक होने वाली है जो कि TVS की तरफ से है। जी हाँ, TVS ने आज तक के कोई भी क्रूजर बाइक नहीं बनाई है। ये TVS की पहली क्रूजर बाइक होने वाली है जिसका नाम है TVS जेपलिन। ये बाइक पहली बार 2018 के इंडियन ऑटो एक्सपो में शोकेस करी गई थी। ये बाइक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बाइक है TVS की, काफ़ी दिखने में अच्छी लगती है, काफ़ी सारे फीचर्स हैं। इस बाइक में आपको मिल जाता है डुअल चैनल ABS, इस बाइक के अंदर आपको काफ़ी सारे राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। ये एक 6-speed गियरबॉक्स वाली बाइक है, इसके साथ आपको डिजिटल मीटर भी मिल जाता है। इस बाइक के अंदर आपको स्मार्ट ऐप के फीचर्स भी मिल जाते हैं। अगर हम इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको 220cc का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलेगा जो कि 28 PS की पावर प्रोड्यूस करेगा और 26 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इसी के साथ साथ आपको इस बाइक में मिलता है एक इलेक्ट्रिक मोटर। तो जैसे कार्स के अंदर हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी होती है जो कि परफॉर्मेंस इन्हांस करती है, सिमिलरली इस बाइक के अंदर आपको एक इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगा जो कि इंजन के परफॉर्मेंस को इन्हांस करेगा। इस बाइक की लॉन्च डेट ना उसके अंदर काफी सारा कंफ्यूजन है, बट 2021 के अगस्त में माना जा रहा है कि ये बाइक फाइनली आपको इंडियन रोड्स पे देखने को मिल सकती है और इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस भी माना जा रहा है वो करीब 1.5 से 2 लाख रुपीस तक के होने वाला है। तो अगर आप ऐसे एक TVS लवर हो, अगर आप ऐसे एक क्रूजर बाइक लेना चाहते हो जो आज से बजट फ्रेंडली हो, जिसका एवरेज अच्छा हो, जिसमें काफ़ी सारे नए नए फीचर्स हो, जहां आपने इतना इंतज़ार करा है, आप थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो, बिकॉज मेरे हिसाब से ये TVS का एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट साबित होने वाला है। तो जो हमारी आज की लास्ट बाइक है वो है GPX डेमन GR200R। ये ब्रांड जो है ये इंडिया के लिए नया होने वाला है, बट ऑलरेडी इस बाइक ने इंडोनेशिया, थाईलैंड में धूम मचा रखी है। अब मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करता हूँ। इस बाइक के अंदर आपको मिल जाता है 198cc का लिक्विड कूल इंजन जो कि 18 PS का पावर प्रोड्यूस करता है और 17.2 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अगर हम इस बाइक के एवरेज की बात करें तो ये बाइक आपको करीब 35-40 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देने वाली है। अगर हम इस बाइक की स्पीड की बात करें तो इसकी जो एवरेज स्पीड होने वाली है वो करीब 145 से 150 किलोमीटर पर आवर तक की होने वाली है। ये बाइक जुलाई 2021 तक के रिलीज हो जाएगी और इस बाइक का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो करीब 1.8 लाख रुपीज होगा जो कि एक्स शोरूम प्राइस होने वाला है। सो अगर आप लोग कुछ नई चीज चलाना चाहते हो, कोई नई चीज एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो जो कि दिखने में भी बहुत अच्छी हो, तो मेरे हिसाब से GPX डेमन GR200R इज द बाइक फॉर यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आज हम लोगों ने आपके लिए टॉप 10 अपकमिंग बाइक्स जो कि इंडिया में आने वाली हैं उसके लिए एक वीडियो था ये।
अगर आप लोग भी 2021 में कोई बाइक लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो हमारी वीडियो ये देखो, और अगर कोई और लोग भी चाहते हैं ना, तो ये वीडियो शेयर करो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है हमारे चैनल को, तो जाकर के सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती रहे। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। आई विल सी यू सून। बाय बाय।